जरार खान, कैसे हैं आप? फिट फाट आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। और कॉलेज गेट आपका चल रहा है और बल्कि दौड़ है, लोग जी देख रहे हैं इसमें काफी आप। हाँ, काफी मतलब सरप्राइज तो नहीं, हमें होप था कि ऐसा ही होता। होगा, बट सिंस दिस इज माय डेब्यू प्रोजेक्ट, इट्स वेरी न्यू हाँ फीलिंग कि अब लोग पहचानना शुरू हो गए हैं, कोई अच्छा। आके हेलो करता है, आप बहाज हैं, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा, तो बहाज का जो आपका ये करेक्टर है जिसमें आप एक म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, आगे चल के देखते हैं क्या बनते हैं, नहीं बनते क्या होता है, वो तो सरप्राइज होगा। लेकिन इसकी आपने कहाँ से, म्यूजिशियन बनने के लिए ना एक पूरा वो चाहिए होता है कि भी आप गिटार बजाते भी हमने देखा, जी तो ये सब कुछ सीखा आपने क्या गिटार पूरा? बजाना मैंने अपने दोस्त से आए शूट पे आने से पहले सीख लिया था, मैंने उसे बताया था कि मैं ऐसे रोल कर रहा हूँ, तो मुझे हाँ एटलीस्ट बेसिक सिखा दो कि हाँ क्या कॉर्ड्स होती हैं, कैसे स्ट्रमिंग होती है, क्योंकि मैंने सच बजाया नहीं हुआ था, बट मेरा वो एक दोस्त था जो बजाता है, सो उसके लिए इस तरीके से थोड़ी रिसर्च मुझे करनी पड़ी थी, गिटार बजाना सीखना पड़ा हाँ था। फिर उसके अलावा बाकी तो अभी तक एटलीस्ट जितनी एपिसोड्स बाहर आई हैं उसके अंदर ही इज अ वेरी साइलेंट कैरेक्टर, हाँ वो अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है और वो बड़ा डिफीटेड सा इंसान है क्योंकि उसका बाप उसको करने नहीं दे रहा, और जनरली भी मतलब मेरा ये बिलीफ है कि अगर एक इंसान का जिस चीज़ का शौक होता है ना, आप उसको अगर ना करने दो तो वो अंदर से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। हाँ सो मैंने कोशिश ये की थी कि एटलीस्ट शुरू की कुछ एपिसोड्स में जब तक म्यूज़िक नहीं होता उसकी ज़िंदगी में तो मैं उसको बहुत डिफीटेड सा कैरेक्टर दिखाऊँ, क्योंकि उसकी लाइनें भी ऐसी थी और वो बोलता भी बहुत कम, शुरू में लाइंस बहुत कम थी, नरेशन बहुत ज़्यादा है, बट अपने दोस्तों के साथ वो कुछ नहीं बोल रहा होता, दोस्त पूछते हैं तो वो कहता है बस छोड़ दो तुम लोग नहीं हाँ, वो समझोगे, चोट हाँ भी लगवा के आता है या जब वो वो पूरा। हाँ चपेट पड़ती है बाप हाँ से, तो इस तरीके का कैरेक्टर था, तो मुझे मज़ा आया ये ना बोलते हुए वाले सीन्स करने में, बड़े टफ थे बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मैं पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन एक्टिंग कर रहा हूँ, तो ये सीन्स मेरे लिए टफ थे, मुझे फहीम भाई से अक्सर पूछना पड़ता था कि व्हाट डू यू थिंक, मैं कैसा करूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रखूँ, अक्सर सीन्स एंड भी ऐसे होते थे कि कैमरा पैन होके मेरे पे आता था और बस वो 10-15 सेकेंड आहिस्ता आहिस्ता मैं वॉइस ओवर होता है, सो ये थोड़े टफ पार्ट्स थे इसके, बट वी गॉट थ्रू इट, और आगे जाके कैरेक्टर भी थोड़ा खुलना शुरू हो रहा है एंड इट्स बिकमिंग मोर फन। अच्छा, जरा आप कह रहे हैं आपका ये पहला ऑन स्क्रीन जी प्रोजेक्ट है, तो इससे पहले आप कहाँ इससे पहले मैं मॉडलिंग कर रहा था, थे? मैंने एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट किया था वो था 12वां खिलाड़ी, मायरा हाँ, और नीना काशिफ वो का आप भूल गए। वेब सीरीज थी, सो बट फॉर टीवी दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर ऑब्वियसली इट वाज अ छोटा रोल भी छोटा था, सीन्स कम थे इसके अंदर, तो वो था कि बस एवरी डे ऑन सेट और सारा दिन शूट करना है हर सीन में, सो काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस हिसाब से, वहां पे तब इतना प्रेशर भी क्योंकि नहीं वो भी था। टेलीविजन पे आ चुके हैं, आपको पता है ना, हाँ वो लोगों तो ने देख इट लिया वॉज है वो। मेड फॉर हाँ, ओटीटी, लेकिन अब वो फिर बाद वो में। आ गया हाँ था, बाद में आया हाँ था, विच वॉज ऑल्सो ग्रेट, बट वो आई गेस मैं उसको उस तरीके से ओन अप नहीं कर सका बिकॉज वो मेरे कैरेक्टर के हाँ बारे में उस तरीके से स्टोरी नहीं थी, कम। इसमें मुझे हाँ था कि मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, सो दैट वॉज अ हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि मैं एक शो की आवाज़ हूँ, तो वो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था कि यार मैंने स्टूडियो में कुछ ख़राब नहीं करना, मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने एक कोच से भी बात की थी इस तरीके से कि कैसे करूँ, वहाँ पे जब हम कर रहे थे वॉइस ओवर्स तो जो स्टूडियो के ओनर थे उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया था, उनका बड़ा शुक्रिया, बट हाँ इस तरीके के चैलेंजेस थे इसमें। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी ये रोल किया है, ठीक है, और इसमें आपने कॉलेज के लड़के का, म्यूजिशियन तो आप नहीं लेकिन एक कॉलेज बॉय का आपका जी रोल है, तो वो कॉलेज बॉय तो जाहिर है वो हम जब कॉलेज में होते हैं जी एक्चुअली तो हम बिल्कुल दूसरे होते हैं, लेकिन अब बिल्कुल आप रोल कर रहे हैं कॉलेज का, तो वो आप जी उसके अंदर से जाना उस लड़के में दोबारा से कॉलेज के वो थोड़ा सब। सा उसमें हाँ एक चीज थी जो उसको काफी आसान करती थी, वो ये थी यूनिफॉर्म पहनना, अच्छा वो यूनिफॉर्म ना एक टाइम कैप्सूल होती थी, जब हम पहनते थे तो बस ऐसे लगता था कि हर चीज का जब आप उसके यूनिफॉर्म में होते हो तो आप उसको बिलीव करना शुरू हो जाते हो, प्लस हम फ्रेंड्स भी थे, मैं खाकान मामिया नतालिया, एटलीस्ट हम चारों तक एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो वो भी था कि डायरेक्टर है 80s हैं, वो कभी कहेंगे कि यार थोड़ा चुप कर दो, मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो, यू नो इस तरीके के, तो वो आई थिंक हम सेटल हो गए थे, एक लोकेशन में हम लोग शूट भी कर रहे थे जहाँ पे हम रह भी रहे थे,
तो वो ऐसे लगता था कि आप हॉस्टल में हो, काम भी हो रहा है, फन भी हो रहा है. तो आई थिंक स्पेशली कॉलेज सीन्स के अंदर उस फील के अंदर जाना, उस कैरेक्टर के अंदर जाना काफ़ी आसान था ओवरऑल एनवायरनमेंट की वजह से. अच्छा ये बताएं कि शेख साहब ने आपको थप्पड़ वाकई में मारा था या नहीं? मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि जावेद सर आप प्लीज मुझे ना मार दे, मैंने थिएटर किया हुआ, मैंने ऐसे चपेड़े खाई भी हैं, मुझे कोई मसला नहीं है. उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकता. मैंने कहा प्लीज मुझे मार दे. उन्होंने कहा नहीं यार मतलब ऐसे नहीं हो सकता, मैं तुम्हें फेक करना आना चाहिए, सीखो तुम, ये तुम्हारे लिए लर्निंग है. तो खैर मैंने किया काफी रिक्वेस्ट, लेकर उन्होंने कहा कि नहीं मैं, क्या पता वाकई में निशान पड़ जाता फिर. मेथड एक्टिंग हो जाती थी. बट उन्होंने फिर मुझे समझाया कि हम इस थप्पड़ वाले सीन को इस तरीके से करेंगे एंड बिलीव मी इट विल लुक रियलिस्टिक. हां लगा. एंड काफी लोगों ने उसके बाद बताया भी कि हमें तो असल में लगा था कि तुम्हें चपेट पड़ गया. मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने मुझे नहीं मारा. ठीक है तो आगे वागे और थप्पड़ नहीं किया मतलब उन्होंने कहा आगे नहीं. आई थिंक वायलेंस यहाँ पे यहाँ तक बस इतनी है, यहीं तक है. अच्छा और कोई मजे का वाकया बताएं शूट के दौरान, किसी ने कहा वही किसी का पलंग हिलता था, किसी ने कुछ किया तो. ये तो हमारा ही पलंग हिलता था, मैं और खाकान कमरा शेयर करते थे और मैं बेड में घुसते साथ सो जाता था. अच्छा तो खाकान मुझे उठाता था और वो कहता था कि तुमने बेड हिलाया है, और मैं कहता था प्लीज मैं सो रहा हूँ, ये चीज मेरे से डिस्कस ना करो, मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है जिन भूतों से. और नींद आ जाती थी इस खौफ में कि कब पलंग हिलेगा, ये नहीं सोचते? नहीं बस मुझे था क्योंकि मैंने फील नहीं, जब तक मैं एक चीज फील ना करूँ ना तब तक मुझे उससे डर नहीं लगता. जब मुझे फील हो जाए तो फिर मुझे था कि अब मुझे कमरा ही छोड़ना पड़ेगा एंड में. अच्छा तो गुजर गया सुकून से. गुजर गया सुकून से, वही बेचारा डर में हर रात. अच्छा चले आपको किसी ने तंग नहीं किया? अल्लाह का शुक्र है. पूछेंगे उनको क्यों तंग किया, आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे. ठीक है. अच्छा और कोई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? मैं एक्चुअली काफ़ी प्रिविलेज फील करता हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है स्पेशली बच्चों को. मुझे अपने ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पे भी मुझे शौक है लोगों को वैल्यू देने का, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो लोग उससे कुछ सीख रहे हैं, कोई वैल्यू गेन कर रहे हैं, कोई लाइफ लेसन गेन कर रहे हैं. तो आई फेल लाइक कि मेरा कैरेक्टर ऐसा था जो लोगों को बच्चों को सिखा रहा है कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो और आप अपने शौक पे भी फोकस कर सकते हो. और इट वॉज़ गुड कि स्टोरी ने भी वही रिफ्लेक्ट किया कि जावेद साहब शुरू में मुझे नहीं करने देते और इवेंचुअली ही वॉर्म्स अप और वो कहते हैं कि ठीक है मुझे तुम अपना जितना गिटार बजाना है बजा, मुझे मेरे ग्रेड दे दो. और मुझे मेरी असल ज़िंदगी में भी यही सिचुएशन थी कि मुझे मेरे अब्बू ने यूनिवर्सिटी स्कूल दोनों में कहा था कि तुमने जितनी ड्रामेटिक्स करनी है कर लो, तुमने स्पोर्ट्स जितनी करनी है कर लो, इफ़ यू गेट मी द ग्रेड्स आई विल लेट यू डू एवरीथिंग बट जस्ट लर्न हाउ टू मैनेज बोथ थिंग्स. तो आई फील लाइक कि अगर इस कैरेक्टर से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है अपने ख्वाब को परसू करने की तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.